कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए देश को चाहिए था रणबांकुर, पर मिला है रणछोड़। और क्या कहा जाए मोदी जी, जब चेतावनियां आ रही थी तब तो आपको नमस्ते ट्रंप कराना था, चुनी हुई सरकारें गिरानी थी, किसानों का दमन करना था, भाड़े की भीड़ देखकर आपकी बाछें खिल रही थी। आपके पास कहां वक्त था कोरोना से लड़ने की तैयारी और रणनीति बनाने का? सच ही तो कह रही हूं ना मोदी जी, क्योंकि ये भी सच है कि अपनी पीठ थपथपाकर सीना ठोककर आपने तो पहले ही कोरोना को परास्त कर दिया था। अगर एक मिनट के लिए सिर्फ कोरोना से लोगों की जाने गई हुई थी तो सांत्वना दी जा सकती थी, लेकिन कैसे समझाया जाए लोगों को कि आपकी विफलताओं, आपके नाकारेपन, आपके निकम्मेपन से लोगों की जाने गई हैं। आखिर दुनिया के सबसे बड़े ऑक्सीजन निर्माता के यहां जब लोग तड़प तड़प कर बेदम होकर सांसें तोड़ते हैं तो क्या समझाया जाए? आखिर दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता के यहां वैक्सीन की ही किल्लत हो गई, क्योंकि आपको विश्वगुरु बनना था। उस होड़ में आप अपने देश को ही भूल गए, कोई प्राथमिकता ही नहीं थी आपकी। कैसे पूछा जाए कि हिंदुस्तान दुनिया में एक अकेला पूरे विश्व में देश कैसे है जहां पर राज्यों में होड़ लगी हुई है वैक्सीन खरीदने की? उनके सर ठीकरा फोड़ दिया आपने। आपने पहला ऑर्डर जनवरी 2021 तक इंतजार करके क्यों दिया? बाकी देश तो मई 2020 से अक्टूबर के बीच दे चुके थे। आपने दो ही निर्माताओं को क्यों लाए? उसी की वजह से किल्लत हुई। आपने किसी विदेशी वैक्सीन को अनुमति जल्दी क्यों नहीं दी? स्पुटनिक को हमारे इतने कहने के बाद इतनी देर में वैक्सीन यहां पर लाने की अनुमति क्यों दी गई? आपने यहां पर प्रचुर मात्रा में बनाने के कंपल्सरी लाइसेंसिंग से आनाकानी क्यों करी और अंततोगत्वा 5 हफ्ते बाद हमारे ही सुझाव को मानकर ये अलाउ किया? जो जाने गई है ना मोदी जी, उसके बारे में तो आपसे हिसाब मांगेगा देश, और इसलिए मांगेगा क्योंकि देश ने आपको बड़े प्यार और विश्वास से जिताया था। लेकिन जो विश्वासघात आपने किया है, जो अन्याय आपने किया है, वो इस देश की आंखों से बरबस आंसू बनकर बह रहा है, वो सूखने वाला नहीं है। ये देश आपसे हिसाब मांगता है आपके 7 साल की नाकामी का और इस आपदा में रणछोड़ कर भाग जाने का।